સમાચાર વિગતવાર જોઈએ. મહારાષ્ટ્રમાં સરકાર રચવાની અસમંજસ તો આખરે અંત આવ્યો છે. ગઈકાલે કોંગ્રેસ, એનસીપી અને શિવસેનાની એક બેઠક યોજાઈ હતી. બેઠક બાદ એનસીપી પ્રમુખ શરદ પવારે જણાવ્યું હતું કે શિવસેનાના ઉદ્ધવ ઠાકરે મુખ્યમંત્રી બનશે, જે અંગે સર્વાનુમતે સહમતિ સધાઈ છે. શરદ પવારે જણાવ્યું હતું કે આ અંગે કોંગ્રેસમાં હજુ પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે. અહેમદ પટેલ તથા મલ્લિકાર્જુન ખડગે તથા શિવસેનાના સંજય રાઉત, એનસીપી અધ્યક્ષ શરદ પવાર તથા જયંત પાટીલ આ મીટિંગમાં હાજર રહ્યા હતા. અંતિમ નિર્ણય રવિવારે લેવાશે. आज तीनों पार्टियों के नेता ने बैठक की. हमने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की. हम चाह रहे हैं कि कोई भी मुद्दा पीछे ना छूटे. हम सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके सामने आए. हम तीनों पार्टियों की सरकार स्थापन करने के बारे में और उसके जो भी मुद्दे हैं उन सभी के बारे में चर्चा हुई. चर्चा बिल्कुल सकारात्मक थी. तीनों पार्टियों के शीर्ष नेता उपस्थित थे, लेकिन बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है. कल बातचीत हम जारी रखेंगे. विचार और सिद्धांतों के आधार पर यह अलायंस नहीं हुई है. ये अपोर्चुनिज्म की अलायंस है और ये टिकेगी नहीं और महाराष्ट्र में स्थिर सरकार भी नहीं दे पाएगी. ये एक प्रकार से महाराष्ट्र का काफी इसमें नुकसान होगा अगर होती है तो. और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लिए निश्चित रूप से अस्थिर सरकार ये महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं.